नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। बंगाल में सीबीआई वर्सेस पुलिस के मामले में एक तरफ जहां ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर राजीव शुक्ला के बचाव में कूदी थी, वहीं बता दें कि इस मामले में सीबीआई का कहना यह भी था कि उन्हें उनका काम करने में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी आरोप लगाया था कि शारदा चिटफंड में जरूर पुलिस कमिश्नर और ममता की कुछ मिली भगत है, इसलिए ममता राजीव का बचाव कर रही थी। लेकिन बता दें कि जब से ये मामला कोर्ट में गया है तब से ममता बनर्जी को थोड़ी राहत जरूर मिली है और उनका ये भी कहना है कि हमारी जीत हुई है। ममता के दिए गए बयान में ये बात भी सामने आई थी कि सीबीआई बिना किसी वारंट और परमिशन के बिना छापेमारी कर रही थी, इसलिए पुलिस ने सीबीआई अफसरों की गिरफ्तारी की थी। लेकिन जानकारी इस बात की भी मिली है कि करोड़ों के शारदा चिटफंड मामले में घिरे IPS अधिकारी राजीव शुक्ला को कोलकाता पुलिस कमिश्नर से हटाकर CID में AGP और IGP का पदभार सौंप दिया है। जी हाँ, उनकी जगह अर्जुन शर्मा को कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया और राजीव शुक्ला से हाल ही में CBI की टीम ने शिलोंग में शारदा चिटफंड मामले में पूछताछ की थी। लेकिन सोमवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि CBI ने उनसे 5 दिनों में 40 घंटे तक पूछताछ की। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि हमारी जीत हुई है। आपको बता दें, राजीव शुक्ला इसी महीने 3 तारीख को चर्चा में आए थे। जब उनसे CBI की टीम पूछताछ करने के लिए उनके आवास यानी घर पहुंची तो कोलकाता पुलिस ने CBI की टीम को ही हिरासत में ले लिया था और पूछताछ नहीं हो पाई थी। राजीव शुक्ला का ये भी कहना था कि CBI टीम के पास सही दस्तावेज नहीं थे जिसके चलते वो कोई जांच पड़ताल करते। CBI टीम की पूछताछ के बाद पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी और बाद में CBI और पुलिस का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। वहीं अदालत ने राजीव कुमार से पूछताछ में सहयोग करने के लिए भी कहा था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने CBI से कहा कि राजेश शुक्ला को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, इनकी सुनवाई कोर्ट में की जाएगी। ये पूरा मामला ये है कि राजीव कुमार 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं और ममता बनर्जी की सरकार ने शारदा चिटफंड का मामला सामने आने के बाद जांच के लिए राजीव कुमार को देखरेख में SIT बनाई गई थी। बाद में मामला CBI को सौंप दिया गया, जिसके बाद CBI का आरोप है कि राजीव ने जांच के दौरान अहम सबूत छिपा दिए। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि इस मामले में BJP सरकार और तमाम विरोधी पार्टियां TMC की अध्यक्ष ममता बनर्जी और राजीव शुक्ला पर क्या तंज कसती हैं। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।